1883, जावा और सुमात्रा के आइलैंड्स के दरमियान सुंदा स्ट्रेट में एक कैलड्रा में तेजी से हलचल पैदा होने लगी। यहाँ तक कि इससे निकलने वाली राख और भाप के बड़े बड़े टुकड़े आसमान को छूने लगे। 26 अगस्त, एक अंडर वाटर आतिश फिशानी तकरीबन 25 क्यूबिक किलोमीटर के बराबर मलबा निकाल फेंका। वहां से निकलने वाली राख और लावा करीबी बस्तियों में बह रहा था। इस आतिश फिशान के फटने की वजह से हजारों लोग मारे गए। तो हम बात कर रहे हैं क्रैकाटाओ की, जो कि हिस्ट्री के डेड लिस्ट अंडर वाटर आतिश फिशान के फटने में से एक है। और उसके तकरीबन डेढ़ सदी बाद 15 जनवरी 2022 को पानी के अंदर एक और मॉन्स्टर अपनी नींद से बेदार हुआ, लेकिन इस बार इसका मरकज टोंगा के साहिल से परे था। हंगा टोंगा हंगा हाफाई में फटने वाला अंडर वाटर आतिश फिशां और उसके रिजल्ट्स में आने वाला सुनामी बहुत डिफरेंट था। आतिश फिशां के एक्सपर्ट्स हर वक्त अंडर वाटर पहाड़ से निकलने वाले मटीरियल की डिटेल्स रिकॉर्ड कर रहे थे, और जो कुछ उन्होंने देखा इसने तो इनको उलझा के ही रख दिया। साउथ पैसिफिक नेशन इस धमाके की वजह से अंडर वाटर कम्युनिकेशन केबल्स कट होने की वजह से बाकी दुनिया से बिल्कुल कट के रह गया था, लेकिन सैटेलाइट ने आतिश फिशां की राख से उठने वाले बादलों से निकलने वाली बिजली के सैकड़ों चार्जेस को रिकॉर्ड किया। रिमोट सेंसर्स ने ताकतवर झटकों की लहरों को रिकॉर्ड किया, जो कि कई दिनों तक पूरी दुनिया में गूंजती रही। राख का एक कॉलम अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटर पार्ट्स की बुलंदियों तक पहुंच गया था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हंगा टोंगा का फटना जहां वहां के रिहायशी लोगों के लिए इंसानी आफत से कम नहीं था, वहीं ये बाकी दुनिया के लिए एक और मिस्ट्री की खुलती हुई कहानी भी है। इसने साइंटिस्ट को समंदरों की तह में छुपे हुए बहुत से आतिश फिशाओं से पहुंचने वाले खतरात के बारे में गौर फिक्र करने पर आखिरकार मना ही लिया, और अब वो इन समंदरों में मौजूद अंडर वाटर आतिश फिशाओं वाले पहाड़ों को तलाश कर रहे ताकि जमीन और समंदर की हिफाजत की जा सके। तो आइए आज ये जानते हैं कि कौन है ये लोग जो कि तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला अंडर वाटर आतिश फिशा आकर छुपा कहाँ है। गहरे समंदर में आतिश फिशा की तलाश जमीन पर मौजूद आतिश फिशा से कहीं ज्यादा मुश्किल है। असल में मसला ये है कि हम समंदर के फर्श के बारे में जानने से ज्यादा चांद के सतह के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन हंगा टूंगा के फटने से साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च ने टोंगा के इस ड्रामेटिक तौर पर फटने वाली जगह के लिए समंदरी सफर को स्टार्ट किया। इनके जहाज आरवी टंगराव ने समंदरी फर्श के हजारों स्क्वायर किलोमीटर का सर्वे किया, वीडियो इमेजेस और सैंपल्स भी इकट्ठे किए, और इनकी बेस पर अब जमीन पर दोबारा से स्टडी की जा रही है, क्योंकि ये रीजन जलजला के लिहाज से बहुत ज्यादा एक्टिव है। नेवा में समंदरों के चीफ साइंटिस्ट माइक विलियम्स का कहना है कि पानी के अंदर फटने वाले आतिश फिशां अक्सर अपने ही वजन से गिर जाते हैं। जब समंदरी पानी मैग्मा के साथ मिलता है तो ये एक धमाका खेज तबाही की वजह बन सकता है, जिसके नतीजे में सुनामी पैदा हो जाती है और जमीन पर टॉक्सिक फ्यूम्स पैदा हो सकते हैं। तो अब इन रिसर्चर्स के चंद इमीडिएट गोल्स थे, इस साइट का मैप बनाना, आतिश फिशां की डिपॉजिट्स की रिकवरी करना ताकि फटने की केमिस्ट्री और वहां की जियोलॉजी को समझने में मदद मिल सके, और 8 ग्रेड के समंदरी फर्श पर कैलड्रा की इफेक्ट्स को एग्जामिन करना। एक बार जब बहरी जहाज हंगा टोंगा के आउटर कैलड्रा तक पहुंचा तो दूर से चलाए जाने वाले डीप टोट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम ने सी माउंट की एश तक का सफर किया, और वहीं टीम को वीडियो फुटेजेस रिकॉर्ड करने और सैंपल्स लेने का मौका मिला। फटने से पहले कैलड्रा तकरीबन 120 मीटर बुलंद था और अब ये 1 किलोमीटर गहरा है। इसके अलावा पायरोक्लास्टिक यानी कि आतिश फिशा से निकलने वाला लावे का फ्लो भी मिला, जो कि हंगामा खेज घना भपरी हुई नदी की तरह था जो समंदरी फर्श के साथ बहती है। ये कम से कम 60 किलोमीटर तक तमाम एंगल्स में फैल रहा था। नेवा का सफर टोंगा ऑपरेशन सी बेड मैपिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा था, क्योंकि नेवा अंडर वाटर आतिश फिशां की एक्टिवली मॉनिटर नहीं करता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एक्टिव रिसर्च प्रोग्राम है जो कि समंदरों की एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, जिनमें बहुत से एक्सटेंट आतिश फिशा की जांच भी शामिल है। कुछ अंडर वाटर आतिश फिशा के फटने की डॉक्यूमेंट्रीज भी तैयार की गई है, क्योंकि वो आम तौर पर समंदर के पानी में मीलों नीचे छुपे होते हैं, जो साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन से हमें फ्यूचर डिजास्टर के बारे में क्लूज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2018 में फ्रांस के माइटे आइलैंड में पानी के अंदर आतिश फिशा फटने से एक जबरदस्त नए समंदरी तूफान को ट्रिगर किया, जिससे रीजन में हाई लेवल का जलजला आया। अब माइटे को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है और रियो सीमा पर इसकी एक्टिविटी को कॉन्स्टेंटली अपडेट किया जाता है,
रियो सीमा एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि आतिशबाजी के खतरात जैसे मैग्मा का फ्लो, पानी के टेम्परेचर और तेजाबियत के साथ साथ जलजले पर भी नजर रखता है। रियो सीमा जैसी कोशिशें आतिशबाजी की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। जहाज की क्रू टाइम और ऑपरेशंस पर एक दिन में 50,000 यूरो तक का खर्चा आ जाता है। आतिशबाजी की लोकेशन के करीब केबल को सेफ रखने में लाखों खर्च आ सकता है, लेकिन ये रिसर्च भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ इसलिए कि इससे एक्टिव आतिशबाजी से होने वाले खतरात का पता लगाया जा सकता है, बल्कि इसलिए भी अहम है कि इसके जरिए आतिशबाजी से पैदा होने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बेहतरी से समझ सकते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना जिस तरह से होते हैं वो हमें ये बता सकते हैं कि इकोसिस्टम आखिर कैसे रिकवर होते हैं, क्योंकि आतिशबाजी के पटने से इस तरह की तबाही होती है जैसे इंसान के जरिए की जाने वाली समंदरी सफर, फिशिंग और दूसरे खुदाई के काम वगैरह से होती है। मिसाल के तौर पर अंडर वाटर आतिशबाजी का फटना ज्यादातर समंदरी फर्श की हलचल या समंदरी सेडिमेंट्स के जमा होने से हो सकता है। जनरली गहराई में मौजूद आतिशबाजियां ज्यादा खतरनाक नहीं होते। ज्यादा खतरनाक तो वो होते हैं जो समंदर की सतह के करीब होते हैं या जो इसके ऊपर उभरे हुए होते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 1,500 एक्टिव आतिशबाजियां पहले हुए हैं, लेकिन इनमें वो शामिल नहीं है जो समंदर के फर्श पर आतिशबाजियों की मुसलसल पट्टी में, जिनके बारे में कहा जाता है कि उस सैकड़ों की तादाद में। इनमें से बहुत सारे पैसिफिक रिम के किनारे के साथ रिंग ऑफ फायर में वाकई हैं, जो पैसिफिक ओशन की ग्रिड चक्कर लगाता है। लेकिन ये वोल्केनोलॉजिस्ट अंडर वाटर आतिशबाजियों को तलाश आखिर करते कैसे, खास तौर पर उस सूरत में जब मैट्रिक डेटा निस्बतन कम हो? तो इसका जवाब तो बस एक ही है, हाइड्रोकोस्टिक मॉनिटरिंग। यानी कि जब एक आतिशबाजी पानी के अंदर फटता है तो ये सोनिक एनर्जी पैदा करता है। 1200 सेंटीग्रेड जितना गर्म लावा जब तकरीबन फ्री समंदरी पानी से मिलता है तो ये बुखारात बन जाता है, जिससे जोर का धमाका होता है। तेज दरारों और गर्जदार धमाके से सेस्मिक एनर्जी समंदरी पानी में एकॉस्टिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तकरीबन 1,000 मीटर की गहराई में प्रेशर, टेम्परेचर और नमकियात मिलकर पानी में आवाज की मूवमेंट को कम कर देते हैं, और इस जोन को साउंड फिक्सिंग एंड रीजिंग चैनल के नाम से जाना जाता है। हियर कम्स द फन फैक्ट, क्या आप लोग जानते हैं कि वेल पानी के अंदर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इसी चैनल का इस्तेमाल करती हैं? हाइड्रोफोन्स या पानी के अंदर माइक्रोफोन सोपर चैनल के साथ जलजले से पैदा होने वाली आवाज की वेव से एकॉस्टिक सिग्नल का पता लगा सकते हैं। वैसे तो इनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, लेकिन इनके रिजल्ट्स तबाहकुन तो हो सकते थे। अमेरिका की पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के साहिल एक्सेल सी माउंट को ही ले लें, जो कि अभी तक का सबसे एक्टिव अंडर वाटर आतिशबाजी है। ये 1998, 2011 और 2015 में फटा। नीचे के प्रेशर के रिकॉर्डर्स से पता चलता है कि एक्सेल आहिस्ता आहिस्ता से फ्लैटर हो रहा है, जबकि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ने नए लावे के फ्लो को डिस्कवर कर लिया है, जो कि ये बताता है कि फ्यूचर में ये फट सकता है। हंगा टोंगा के फटने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था, इसीलिए इसने रिसर्चर्स को इतना कंफ्यूज कर दिया। टोंगा में सुपर आतिशबाजियों से ज्यादा तबाही हुई, मगर इधर उधर बिखरने के बजाय वो अपनी जगह पर स्टिल रहा। इस चीज ने एक्सपर्ट्स को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो अपनी थ्योरीज को दोबारा से एग्जामिन करें कि किस मैकेनिज्म ने इतनी तबाही की होगी। लेकिन अजीब बात यह है कि हंगा टोंगा से जो एनर्जी खारिज हुई वो समंदर के फर्श पर फैलने के बजाय ज्यादातर वर्टिकल है, यानी कि आसमान की तरफ। हंगा टोंगा के बड़े धमाके ने ना तो सिर्फ समंदर पर लहरें पैदा की, बल्कि ये साउंड लहरें और एटमॉस्फेयर में भी लहरें पैदा करते हैं। ये लहरें एक मखसूस वक्फे के साथ अपने सेंटर से बाहर की तरफ निकलती हैं। ये 100 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से फिजा में चली जाती है। ये स्पीड एक जेट तैयारे की स्पीड से तकरीबन 2 गुना ज्यादा होती है। हंगा टोंगा के धमाके से अंदाजन 10 मिलियन टन TNT एनर्जी खारिज हुई थी। राख और समंदर के भपरे हुए पानी ने आइलैंड को तबाह करके रख दिया था। इसने ना सिर्फ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, बल्कि पानी की सप्लाई लाइंस आलूदा हो गई थी, सर्किट टूट फूट गई थी, और इसका असर दुनिया भर में हुआ था। जमीन के अंदर लातादाद लावे हैं, जिनमें से कोई भी किसी भी वक्त बगैर इतला किए बाहर आ सकता है। इसीलिए हंगा टोंगा को स्टडी करके हम ये मजीद जान सकते हैं कि जब पानी के अंदर मौजूद इन टाइम बम्स की बात की जाए तो क्या प्रिकॉशंस की जाएंगी।